अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि इस टाइम ऑफिस में नहीं हूँ, ऑफिस से बाहर हूँ। और ये जगह इतनी खूबसूरत कौन सी नज़र आ रही होगी आपको? पीछे आपको विंड मिल्स हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं, आपके पीछे देख सकते हैं वो ऑपरेशनल भी हैं और वो जो है एनर्जी जनरेट कर रही हैं इस वक्त कैप्टन समास्टी के अंदर। कैप्टन समास्टी की एंट्रेंस है, ये मोटरवे है जहाँ से हम लोग एंटर हुए हैं। ये हमारे साथी हैं जो अभी विज़िट करने के लिए आए हैं हमारे साथ। नाज़रीन, ये जो जगह जो है इस वक्त 400 फिट रोड के ऊपर है, जो मेन इसकी एंट्रेंस है। ये जगह एविएशन के पास है, ये वाली जगह उससे आगे जो है महकमा जंगलात के पास है और हम मेन एंट्रेंस के ऊपर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने विंड मिल्स ये भी हमने और भी ऑर्डर कर दिए हैं और वो भी चंद दिनों के अंदर वो भी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगी। तो एक पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम ऐसी नोयत का जो है एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है। कैप्टन समास ने जो वादा किया था वो प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं। जो स्मार्ट फीचर्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाई थी वो वहाँ पर इंप्लीमेंट करनी शुरू हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द यहाँ पर लिविंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी 4-5 फैमिली यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी हैं। फर्दर और भी जो है लोग यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, तो बहुत जल्द यहाँ पे रश होगा। और जो चीज़ें इस रेट में मिल रही हैं मुझे नहीं लगता कि आपको आने वाले काल में इस रेट में मिलेंगी। इस टाइम जो लोग ख़रीद रहे हैं उनके लिए अल्लाह ताला ने ख़ास एक करम नवाजी की है कि वो अपने पुराने रेट के ऊपर चीज़ें वो बाइंग कर रहे हैं। वरना मेरा जो परसेप्शन है कि 5 मिला का प्लॉट वो आपको कम अज़ कम इस टाइम 70-80 लाख रुपये का होना चाहिए था, जो अभी भी 40 लाख में विद डेवलपमेंट के साथ मिल रहा है। तो ये खुशाइन बात है। अभी हम आगाज़ कर रहे हैं, अभी हम एंटर हो रहे हैं, इंशाल्लाह हम आगे आपको बहुत चीज़ें दिखाएँगे। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ ये हम लोग एंट्रेंस के बाद आए हैं। ये बेसिकली लिंक रोड है। ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं सामने, जो आपको ये दरमियान में पोल नज़र आ रहे हैं, पोल के साथ जो आपको जगह नज़र आ रही है, बेसिकली 400 फीट रोड है, जिसका हम आपसे कहते थे कि जहाँ पे मेट्रो बस भी चलेगी, जहाँ पे 18 लाइन्स में मुश्तमिल रोड बनाई जाएगी, वो ये वही रोड है। मेन जो जब हम आए हैं एंटर हुए हैं जहाँ पे मैंने आपको पहले इन्फॉर्मेशन दी है, वो सीधी रोड जो है 400 फीट की खींची जाएगी और ये यहाँ तक जो लिंक करेगी इस रोड के साथ। ये इस रोड को 400 फीट रोड को ये जो पहाड़ है इसको कट करके इसको सीधा लेके जाएंगे। तो बाकी सारी लिंक्स रोड होंगी जो इसे इंटरकनेक्ट करेंगी ताकि हमारे आने जाने में आसानी हो सके। तो ये सामने जो आपको पहाड़ी नज़र आ रही है और ये सामने वाइट बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको, ये सारे के सारे जो है ये गोल्फ क्लब का एरिया है, जो हमने कहा था 18 होल्स के ऊपर मुश्तमिल जो है GPS स्टैंडर्ड के ऊपर हम आपको बनाकर देंगे। ये वो वाला एरिया सारा, और इसको मैं दिखा देता हूँ कि इसमें अंदर कितना काम हो चुका है। बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, ग्रीन एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, वो भी आपको शेयर करता हूँ मैं। और इसके जो राइट साइड पर सारा एग्जेक्टिव एरिया,
जैसे कि आपको हम कैप्टन मास्टर का विजिट करवा रहे हैं आज की डेट के अंदर, तो हमारे पीछे इस वक्त जो है ये टावर नज़र आ रहा है, ये टावर जो है ये बेसिकली स्टैंड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक स्टैंड में गाड़ियाँ जो है वन बाई वन आप यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं, और इससे स्पेस है वो शॉर्ट हो जाता है, आप इजीली यहाँ पे खड़ी कर सकते हैं, अपनी कार पार्किंग कर सकते हैं आप ये। और साथ ही आप देख सकते हैं ये आपको जो प्लांट ये नज़र आ रहे हैं बॉक्स, ये बेसिकली गार्बेज के लिए, ये जो गार्बेज है इसकी स्पेशल गाड़ियाँ जो हैं वो बाहर से मंगवाई गई हैं इटली से, जो इसको बकायदा रिसाइकल प्लांट के अंदर कन्वर्ट करती हैं, वो स्पेशल गाड़ियाँ हैं। इसकी आपको वीडियो भी मिल सकती है नाज़रीन। ये देख रहे हैं आपके सामने बिल्डिंग यहाँ पे कमर्शियल की तैयार हो रही है, नीचे शॉप्स भी हैं वो भी ऑपरेशनल हो चुकी हैं, अब वहाँ पे जा रहे हैं ताकि हम आपको दिखाएं कि यहाँ पे आबादी शुरू हो चुकी है, लोग आना शुरू हो चुके हैं। ये देखें सामने मस्जिद भी है जो ऑपरेशनल है, 5 बजे नमाज का अहतमाम किया जाता है यहाँ पर, जुम्मे का अहतमाम किया जाता है, साथ ही ये बिल्डिंग है, लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से घूम फिर रहे हैं। अच्छा, इसमें वो जिनके प्लॉट्स हैं वो भी लोग हैं और यहाँ पर लेबर भी है, तो आपको दोनों चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। कितनी शॉप्स ऑपरेशनल हो चुकी हैं अभी तक, कुछ बता सकते हैं आप? सर इधर तकरीबन 5-6 शॉप्स तकरीबन हो चुकी हैं, ठीक है, तो अभी काफ़ी जो खाली पड़ी हुई हैं, ठीक है, मतलब कि लोग अभी ऑप्शन है, लोग आ सकते हैं। तो जो ऊपर जो अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं उसके बारे में क्या ख्याल है, वो इन लोगों को अपार्टमेंट्स दिए जा रहे हैं या लोगों को भी दिए जा रहे हैं? ये अब फिलहाल एज ए किराएदार जो है ना इधर लोग आ रहे हैं। आपका कहने का मतलब है कि रेंट भी शुरू हो रहा है, यानी कि लोग यहाँ पे भी यानी कि शुरू हो चुका है ये मामला, ये तो बड़ी खुशहाली बात है हमारे उन दोस्तों के लिए जो स्पेशल जिनकी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, कि रेंट भी शुरू हो चुका हुआ है, डेट इज़ वेरी फाइन। आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पे कैप्टन मास्टर के बारे में या यहाँ पर जो कमर्शियल तैयार किया जा रहा है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लोगों को बताएं, मैसेज दें जो हक सच की बात है? हर चीज़ को सर बताते हैं हम लोग को, उसको जो हर आदमी के लिए इज्जत होने चाहिए, और दुकान भी देते किराए पर 1 साल के लिए, मुफ्त 1 साल के पैसे नहीं लेते सर, वो सही ऐसे मुख ले गए दुकान। ये भी और एक क्वेश्चन आ गया कि आप कह रहे हैं कि 1 साल के लिए फ्री ऑफ दे रहे हैं ताकि लोग आएँ और जो बेरोजगार है यहाँ पे अपना काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपसे रेंट नहीं लिया जाएगा, कंपनी सोसाइटी का रेंट नहीं ले रही? जी जी, गुड हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, माशाल्लाह बड़ी डिटेल में बताया भाई ने हमें। आए आगे चलते हैं, देखते हैं कितना क्या डेवलपमेंट हुई हुई है। ये देखें नाज़रीन, ये हम आपको लेके आए, ये फार्मेसी है कैप्टन मास्टर में, ओपन हो चुकी हुई है। अच्छा, यहाँ पर डॉक्टर भी बैठ रहे हैं और फार्मेसी भी है, तो आप हमें भी कुछ बता सकते हैं कि इस वक्त कैसा रिस्पांस आ रहा है, आप क्या कहते हैं यहाँ पे, आपने क्या सोच को ओपन किया, अभी कुछ रेंट वेंट भी दे रहे हैं कि नहीं? अभी फ़िलहाल तो रेंट नहीं दे रहे, तो फिलहाल तो रिस्पांस ठीक है, लेबर्स ही हैं हमारे पास ज़्यादा, ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता ज्यों जो मतलब अगर आपके पास पॉपुलेशन होगी तो यहाँ पर लेबर अप्रॉक्सीमेट कितनी है यहाँ पर, कोई 2,000 है, 4,000 है, कितनी है, क्योंकि हम तो देख रहे हैं बेचता हशा 5,000 से ज़्यादा ही है नाज़रीन। देखें 5-6 हज़ार लेबर है, आप कैप्टन मास्टरी की डेवलपमेंट का यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, और मेरे ख्याल में उनके लिए फार्मेसी ये बहुत बड़ी बात है, 5-6 हज़ार लोगों के लिए फार्मेसी का होना बहुत ज़रूरी था, वो बताइए कहाँ कहाँ जाके दवाइयाँ लेते होंगे, लेकिन यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे मेडिसिन में भी आपने कोई रियायत की है या वही रेट है? यही बात है, लेबर के लिए फिर जो है थोड़ी सी बहुत कंसेशन हमने रखी हुई है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, डिस्काउंट भी रखा हुआ है जो लेबर्स के लिए, ताकि वो दवाइयाँ उनको अच्छे मुनासिब रेट के अंदर मिली जा सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन ये देख सकते हैं साथ यहाँ पे टेलर भी मौजूद हैं, ये कपड़े भी मौजूद हैं। इसके अलावा ये देखें कैप्टन मास्टर में बहुत ही खूबसूरत उन्होंने तमाम किया है ये, और ये डेकोरेशन पीसेस की और प्लांट्स की जो है आर्टिफिशियल प्लांट्स की जो है ये शॉप है। नाज़रीन ये देखें बुक शॉप भी इन्होंने ओपन कर दी है, क्योंकि यहाँ पे स्कूल भी ऑपरेशन हो चुका हुआ है, और ये देखें यहाँ पे बुक शॉप भी है, आए इनसे भी बात करते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे सर कैप्टन मास्टर में? बहुत अच्छा लग रहा है, इंशाल्लाह बेहतर मिलेगा माशाल्लाह, उम्मीद तो है, आप यकीन रखें अल्लाह की ज़ात पे, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, और बहुत खुशी हुई मुझे देख के, और मैं सोच रहा हूँ कि आपसे कुछ शॉपिंग भी की जाए। नाज़रीन ये देखें आज हमने शॉपिंग का इख्तिताम किया है यहाँ पे कैप्टन मास्टर के अंदर, और ये हमारे साथ भाई मौजूद हैं जिनसे हम कुछ अपनी चीज़ें जो हैं ऑफिस के लिए मैंने बाइंग की है, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने यहाँ पर, और डिस्काउंट भी कहते हैं हमने आपको दिया जी, अब बहुत खुशी थी आपसे मिल के। तो सर कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे इस वक्त? सर अच्छा लग रहा है सर, बिल्कुल इंशाल्लाह इसका अल्लाह पाक हमें रिजल्ट देगा, 100% देगा सर, जिस उम्मीद से यहाँ पे हम आए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल वीरान जगह थी जो आबाद हुई है, ये एक नई दुनिया बन रही है, नया शहर बन रहा है, तो इसलिए ये इसको 100% जो है तो कामयाब करेगा अल्लाह पाक। बहुत अच्छी बात सर, ये मेरी तरफ से जी आपके लिए है जो मैं चीज़ें ख़रीदी हैं, ये लीजिए पैसे, ठीक है जी। और ये नाज़रीन इन्होंने मुझे अपना बिज़नेस कार्ड भी दिया है, दिस वन,
और ये हमारा बिल भी आगे दे दी ठीक है जी। तो अल्लाह ताला जी आपको कामयाब करें और अल्लाह ताला आपकी आसानियाँ पता फरमाए। ये जी चाहे चीज़ें ली हैं ये देखिए। देखिए नाज़रीन इस यहाँ पे तो फीते और धागे और लेसों वाली दुकान भी यहाँ पे ओपन हो गई है ज़बरदस्ती। नाज़रीन ये देखें यहाँ पे कैफेटेरिया ओपन है और ये बैठने की जगह है सारी। और ये देखें चाय और ये जनरल स्टोर ये ओपन है यहाँ पे और ये बड़ी खुशी की बात है। कैसा लग रहा है यहाँ क्योंकि लेबर काफ़ी ज़्यादा है तो मेरा ख्याल है कि आपका तो माशाल्लाह सिलसिला चल पड़ा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त बहुत अच्छी बात है। मुझे तो पता चला था यहाँ पे 5 से 6 हज़ार जो है यहाँ पे लेबर ऑलरेडी काम कर रही है। बहुत ज़्यादा इससे भी ज़्यादा अच्छा। और इधर ये जो हमने रेट लगाया ये मार्केट का रेट लगाया है जबरदस्त, यानी कि जो राजा बाजार और सदर हाँ वो रेट लगाए आप वही रेट इधर भी जबरदस्त। आज हम किसी क्या खिलाएं पिलाएंगे हमें आप जो आपका दिल करे चाय पीना है बोतल पीना है चाय हमारे पास स्पेशल चाय है। आप हमें एक काम करें ना चाय भी पिलाएं ये केक वगैरह भी हमें दें हम बाहर बैठ कर दें हमें आप दें बाकी थैंक यू। इस टाइम हमने अपना पेट पूजा कर ली है हम बहुत थक गए थे सोसाइटी के अंदर आके धूम में आए थे और सेकंड टाइम हम ज़रूर आए थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रात हो गई है यहाँ पे इस वक्त और फिर हमें भूख लग गई हमने खाना खाया है। हमारे साथ साथी मौजूद हैं जिनके साथ हम आप कैप्टन मास्टर में विज़िट किया है पहले इनके क्या व्यूज़ थे अब उनके क्या व्यूज़ है ये हम आपको खुद आप उनसे बात कर सकते हैं सुन सकते हैं वो क्या कहना चाहते हैं जी सर प्लीज़। हाँ जी पहले ये था कि सुनने में आया था कि यहाँ पे जो है वो फ्रॉड हो रहे हैं या यूँ है कि बाज़ डेवलपर होते हैं काम करते हैं और काम करने के बाद स्टार्टिंग प्लेस पे खूबसूरत उसका व्यू बना के तो बाद में वो भाग जाते हैं मगर ऐसा सीन नहीं देखा है। बहरहाल ये पूरा जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी को विज़िट किया है माशाल्लाह कमर साहब ने करवाया है तो जिस साइड पे भी गए हैं मगर वहाँ पे मेरा तकरीबन ऑलमोस्ट काम हो रहा है तेज़ी से हो रहा है। जहाँ पे भी गए हैं कुछ साइड पे गए हैं कई जगह मार्केट्स बन चुकी हैं जिस जगह हम बैठे हैं यहाँ पर तकरीबन ऑलमोस्ट शॉप्स खुल चुकी हैं और वहाँ पे आप गहमा गहमी देख रहे होंगे। बाकी ये है कि जो करीब में मस्जिद भी बड़ी खूबसूरत बनी हुई है और जो 5 मरला के जो विलाज हैं वो भी बने हुए हैं रेडी हैं। अब ये चाबी जैसे ही हैंड ओवर करेंगे फैमिलीज आएंगी तो मुझे उम्मीद है कि ये जो है काफ़ी जो है जल्दी से माशाल्लाह यहाँ पे रेट्स भी जो है वो तो इंक्रीज़ होने ही हैं मगर ये है कि लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा जैसे इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा तो जारी बात है कि रेट्स भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये जो लोग हैं जो डरे हुए हैं उनके लिए मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इसे अवेल करें और उम्मीद है कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह अपने ये वादे के मुताबिक जो है चाबियां जो उनको हैंड ओवर करेंगे जो इन्होंने कमिटमेंट की हुई है जी। नाज़रीन आपने साहब को सुना मैं आपको बता सकता कि हमारे यहाँ पे आने से पहले क्योंकि इनका फ़र्स्ट विज़िट है तो हर इंसान के तहफ़ात होते हैं हर इंसान चाहता है कि मैं कहीं इन्वेस्टमेंट करूँ कहीं मेरे से फ्रॉड ना हो जाए। जैसे कि आप सुनते हैं पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट सोसाइटी के अंदर फ्रॉड होने के काफ़ी ज़्यादा आपको खबरें मिली होंगी कैप्टन मास्टर को भी लोग अक्सर लोग जो है इस तरह के परसेप्शन ले लेते हैं लेकिन इस वक्त उनके अपनी ज़ुबानी है बहुत मुतमिन है सेटिस्फाइड है और उनने यहाँ पे बाइंग भी कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनके साथ इनके भांजे हैं इमाद साहब भी फैसलाबाद से आए हुए हैं ये मामू जी हैं उनके इमाद भाई के और हमारे भी मामू हैं तो भी फैसलाबाद से हैं तो फैसलाबाद से स्पेशल आए हैं कैप्टन मास्टर के विज़िट करने के लिए। तो इमाद भाई के कुछ तासरात तो वो भी सुनते हैं कि इमाद भाई जो है किसके बारे में क्या कहते हैं प्लीज़। जी बिल्कुल जैसा कि कमर भाई ने बताया कि पहले मैं लास्ट टाइम आया था तो मैं इतना विज़िट नहीं कर सका लेकिन अभी कमर भाई के साथ विज़िट किया तो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा काम मैंने देखा है और मैं जिस साइड पे भी गया हूँ बड़ी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट हुई है इवन कमर्शियल मार्केट्स हो गई हैं और जो ब्रिजेस वगैरह मैंने नए बने देखे हैं और वो पिछले 3 वीक्स पहले वो चीज़ें नहीं थी जो मैंने अब देखी हैं तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन और हम लोगों को सोचना चाहिए और ऐसी अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहिए जो कि अभी हमें मिल रही है इन फ्यूचर रन अभी यहाँ पे ऑपरेशनल हो जाएगा अंडरपास मोटरवे से तो फिर जब रेट इंक्रीज़ होंगे फिर लोगों को ख्याल आएगा कि काश हम उस टाइम इन्वेस्टमेंट कर लेते और ये चीज़ हमें मिल जाती टाइम पे। दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट हेयर एंड इन्जॉय द नेचुरल इन्वायरमेंट दिस इज़ वेरी नेचुरल ब्यूटी हेयर एंड यहाँ पर चौहान डैम है और अभी हमने शाम के टाइम विज़िट किया और बहुत ही प्यारा सीन था और आप मैं कहता हूँ कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि आप एक दफ़ा विज़िट ज़रूर करें यहाँ पे आप विज़िट करेंगे देन आप ख़ुद एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्योंकि देखने से जो चीज़ पता लगती है वो आप वीडियो में भी शायद जज ना कर सकें।
बस मैं यही कहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी आप इसमें इंटरेस्ट लें, आप विज़िट करें, उसके बाद यहाँ पे राइट टाइम टू परचेज़ है और वेरी शॉर्ट टर्म इसके बाद ये रेट इंक्रीज़ होंगे तो फिर आप लोग इसको आप ख़ुद कहेंगे कि हमने बड़ी अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट की है। मैं क्योंकि कैपिटल मास्टर में काम करता हूँ तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती है जब मुझे ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है। अगर पहले नेगेटिव हो, बाद में पॉजिटिव हो, पहले को खदशात हों, बाद बिल्कुल ऐसे हो जाए जनाब के बिल्कुल यस कमर साहब आप बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, ये मेरी ना एक बहुत खुशी की बात होती है। मेरे लिए वो लम्हे बड़े खुशी के होते हैं जैसे कि अभी भी हैं, तो इसका अंदाज़ा बहुत कम लोग कर सकते होंगे लेकिन आप मेरे चेहरे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितना खुश हूँ। तो नाज़रीन इंशाअल्लाह आप सबके लिए भी एक सरप्राइज़ है, आप जरूर इन्वेस्टमेंट करें पाकिस्तान के अंदर, कैपिटल मास्टर के अंदर करें, लाहौर मास्टर के अंदर करें, आपको इसका फ़ायदा होगा। जी नाज़रीन एक बहुत खूबसूरत हस्ती के साथ आपको मिलवाने जा रहा हूँ, यहाँ पे जिन्होंने आप यहाँ पे शॉप ओपन की कैपिटल मास्टर के अंदर और यहाँ पे गहमा गहमी में बड़ा अच्छा पार्ट अदा किया इन्होंने और वो पार्टिसिपेशन है इनकी, इनका जनरल स्टोर है, साथ खाने पीने की अशिया भी यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे जितने लेबर यहाँ पे खुश हैं लोग खुश हो रहे हैं, हम भी यहाँ पे खुश हुए हैं, हमने भी खाना खाया है। लेकिन जब मैं इनको बिल देने लगा हूँ, इनको पैसे देने लगा हूँ, तो इन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे गेस्ट हैं। तो सर मुझे आप ये बताएं आपका नाम क्या? सर मेरा नाम अहमद साहब है। अहमद साहब आपने इतनी मोहब्बत वाला इतनी मेहमानवाजी का आपने इस्तेमाल किया है क्योंकि बहुत कम लोग मिलते हैं ऐसे। भाई बात यह है कि इधर हमारे तो वैसे भी एक रूटीन है कि हमारे पास जो भी बाहर से आते हैं वो हमारे मेहमान हैं, और दूसरा ये स्मार्ट सिटी की तरफ से नहीं कि हम कहते हैं कि जो भी बाहर से आए वो हमारे मेहमान हैं, चाहे जो भी हो हम कहते हैं वो इधर से खुश होकर जाए ताकि कुमनी आगे तरक्की कर ले, क्योंकि इधर 100 नहीं 200 नहीं 1000 नहीं कम अज़ कम 5-6 हज़ार लोगों की रोज़ी लगी हुई है, तो हम कहते हैं जितना आबाद होगा लोग यानी कि मालिकों को दुआई देगा और हम इससे खुश होंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी देखें इसमें बहुत मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट था, इन्होंने कहा हज़ारों लोगों को यहाँ पे रोज़गार लगे हुए हैं। अब अगर इन्होंने मुझसे पैसे नहीं लिए और इसकी वजह क्या हो सकती है कि मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल स्मार्ट टीम उनकी मोहब्बतें इनके साथ इतनी वाबस्ता है कि इन्होंने भी आगे से मोहब्बतें बांटनी शुरू कर दी हैं। मेरा ख्याल है पूरे दुनिया में ऐसे लोग नहीं मिलते जो हमें यहाँ पे कैप्टन समय मुलाकात हुई है। सर थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, आपको खुशियाँ दे, हम हमेशा जब भी आएंगे आपसे मिलके जाएंगे इंशाल्लाह। हमारे पास आया करो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।